हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप एक कंप्यूटर की ऐसी ट्रिक के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन भी है। दोस्तों, क्या होता है, आपके पूछा कोई भी व्यक्ति अगर आपका कंप्यूटर यूज़ करता है और वो स्टोरेज में जाके आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो आप ऐसा तो चाहेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये ट्रिक इसी के लिए है कि अगर वो डेटा जैसे ही एक्सेस करेगा, यानी कंप्यूटर ऑन करके जैसे ही उसमें जाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस आएंगे जिनसे वो परेशान हो जाएगा। जैसे ही वो कंप्यूटर में जाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए ये मैसेजेस शुरू हो जाएंगे। बेटा तू आ गया, चल अब कंप्यूटर बंद कर और निकल ले। दिमाग से पैदल है क्या, वो फिर ओके करेगा। वो इस तरह से ओके करता जाएगा और ये मैसेज आते रहेंगे। ये मैसेज को वो बंद नहीं कर पाएगा और ये मैसेज पर क्लिक कर करके वो थक जाएगा, मगर ये मैसेज ख़त्म नहीं होंगे। तो दोस्तों, है ना ये मज़ेदार ट्रिक। और दोस्तों, ये मैसेज जो है वो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कितने भी। तो ये मैसेज किस तरह से आपके लिए ऐड करना है इस कंप्यूटर में, ये ट्रिक आपके लिए कैसे अप्लाई करना है अपने कंप्यूटर में जिससे कि कोई भी आपका कंप्यूटर एक्सेस ना कर पाए, तो दोस्तों ये सब जानने के लिए हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए। जैसे कि ये मैसेज आते रहेंगे और ये मैसेज आपके ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे जब तक आप ये जो प्रोसेस है आप अपने हिसाब से बंद ना कर दें, क्योंकि ये प्रोसेस जो बंद करने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपके लिए वीडियो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखते जाइए। ये देखिए, मैसेज पर कितने भी क्लिक करते जाएं, ये मैसेज बंद नहीं होंगे। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर में एक फाइल को डाउनलोड करना होगी, जो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। वो आपके लिए डाउनलोड करके आपको अपने डेस्कटॉप पे ले आना है। तो इसे हम साइड में कर देते हैं और अब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये जो फाइल है वीपी प्रैंक नाम से, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने डेस्कटॉप पर ले लीजिए। और अब इसको आपको अपने हिसाब से एडिट करना है, आप चाहे तो डायरेक्ट उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये कोडिंग सामने आएगी, और ये जो कोडिंग है यहाँ पर ये देखिए, जो भी मैंने मैसेज यहाँ पर लिखे हैं आप चाहें तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। बेटा तू आ गया, अंधे घोड़े, यानी जो भी आपके मैसेज हैं यहाँ पर आप उन वर्ड्स को हटा के आप अपने वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये मैसेज और भी ज़्यादा बढ़ाना, तो उसके लिए आप बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर कोई भी मैसेज बढ़ाना चाहते हैं तो एक कोडिंग की पूरी लाइन को कॉपी कीजिए और वहाँ पर आपके जो भी वर्ड हैं, यानी आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो मैंने लिखा है वहाँ से आप केवल हटाकर आप अपने वर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बढ़ाने का तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरह से आपके लिए अपने वर्ड बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये मैंने पूरी कोडिंग कॉपी की और कॉपी करने के बाद एक स्पेस लिया, मैंने एंटर करके स्पेस आ जाएगा, और यहाँ पर मैंने वही कोडिंग दोबारा पेस्ट कर दी। तो ये कोडिंग दो बार हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके लिए जो हमारा वर्ड है वो हटा देना है, और जो डॉट डॉट है, कॉमा है, उनके बीच में आपको ध्यान रखना है जैसा ये इसमें लिखा हुआ है, यानी डॉट कॉमा के बीच में वैसा ही आपके लिए लिख देना है और ओके कर देना है। मगर दोस्तों, यहाँ पर ओके करने के लिए आपको फाइल सेव करना होगी, मगर वो सेव किस तरह से करना है, ये जो ऊपर फाइल का जो ऑप्शन है आप इसे क्लिक करेंगे और फिर ये नीचे की तरफ सेव एज का ऑप्शन है, सेव एज आपके लिए करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं इसे इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप पहुँचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये जो फाइल का नाम है वीपी प्रैंक, तो आप इसके लिए कुछ दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं अभी ये फाइल डेस्कटॉप पर है, तो आपके लिए यहाँ पर ये डेस्कटॉप पर शो हो रही है। और हम अब जो फाइल सेव करेंगे वो भी अभी डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं। तो ये जो वीपी प्रैंक नाम का ये जो नाम है, तो यहाँ पर अभी हम चेंज करना चाहेंगे, जैसे कि वीपी प्रैंक वाई टी नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। और अब इसका जो एक्सटेंशन है वो किस में सेव करना है, यानी इस ये फाइल किस टाइप में हमें सेव करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, वो है आपके लिए यहाँ पर डॉट लगाने के बाद VBS। ये जो VBS एक्सटेंशन है आपके लिए ये देना है, ये ध्यान रखें दोस्तों, VBS इस एक्सटेंशन में आपके लिए सेव कर देना है। और यहाँ पर ये जो नीचे का ऑप्शन है सेव एज टाइप, तो यहाँ पर आपको ऑल फाइल में सेलेक्ट कर देना है। तो ये हो गया आपके ये कंप्लीट, और अब आपको सेव कर देना है नीचे सेव के बटन से।
तो ये सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है और मैं इस कोडिंग को अब यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। तो ये हो गई है हमारी फाइल क्रॉस। अब ये जो फाइल है ये ऊपर की तरफ आपने डाउनलोड की है वो है, और आपने जो एडिट की है वो ये फाइल सेव हो चुकी है, वो ये VBA जो फाइल है वो आपके लिए ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके ये मैसेज स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, आपने जो भी ऐड किया होगा, आपने जो भी एडिट किया होगा, आप अपने अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखा होगा वो आपके मैसेज यहाँ पर शो होते रहेंगे जब तक आप अपने अकाउंट बंद ना कर दें, ठीक है। अब आपका दोस्त है, आपका कोई भी फ्रेंड है, या कोई भी आपके बिना पूछे आपका कंप्यूटर एक्सेस करता है तो वो इसी फाइल पर तो क्लिक करेगा नहीं। तो इसके लिए आपके लिए थोड़ी सी और प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर अब आपके लिए स्टेप टू में प्रोसेस करना है कि इस फाइल का आइकॉन हम चेंज करेंगे कंप्यूटर आइकॉन की जगह पर। तो दोस्तों यहाँ पर इस ये जो मैसेज है इसे साइड में करने के बाद इसका हम आइकॉन चेंज करेंगे। तो इस फाइल को फिलहाल हम पहले कोई भी फोल्डर वगैरह में, या आप चाहें तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज में भी इसे डाल सकते हैं। तो मैंने इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर डाल दिया है, और अब इस ये जो फाइल है इसका मैं सबसे पहले एक शॉर्टकट बना लेता हूं। तो इस पर राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप पर क्लिक करके मैं एक शॉर्टकट बना लेता हूं। तो इसका ये शॉर्टकट हमने बना लिया है, और अब इसका आइकॉन चेंज करेंगे हम कंप्यूटर की जगह पर, यानी कंप्यूटर आइकॉन की जगह पर, जिससे कि कोई भी अगर आपका फ्रेंड है या कोई भी अगर इस फाइल पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर आइकॉन को देखकर ही करेगा। तो ये कंप्यूटर का जो मेन आइकॉन है हम इसे डिलीट करेंगे और इस फाइल को हम कंप्यूटर आइकॉन दे देंगे, इस फाइल को हम कंप्यूटर आइकॉन दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे, इस फाइल का नाम हमने दे दिया है कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर नाम देने के बाद अब इसका आइकॉन चेंज करेंगे। तो इसी फाइल पर हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इसी आइकॉन की प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर चेंज आइकॉन का ये जो ऑप्शन दिख रहा है आप इसे क्लिक कीजिए। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ चेंज आइकॉन के ऑप्शन पर, और अब यहाँ पर आपके लिए जो भी फाइल चाहिए, यानी जो भी आपके लिए आइकॉन चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपका फ्रेंड या कोई भी अगर व्यक्ति जो है, जो आपकी किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ओपन करने की कोशिश करता है तो वो कंप्यूटर ही है। आप चाहे तो कोई दूसरी चीज़ भी चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर कंप्यूटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कोई व्यक्ति होता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो कंप्यूटर में जाने की ही कोशिश करता है, इसलिए मैं कंप्यूटर का आइकॉन ही यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि ब्राउज़र है या कोई भी फोल्डर है जिसमें आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ें हैं, तो आप उसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं कोई भी फोल्डर नाम से, ठीक है। तो ये जो आइकॉन है आप कंप्यूटर का, मैं इस आइकॉन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के पहले इसे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज आएगा। ये देखिए, डिलीट करने पर हमारे लिए जो मैसेज आया है कि आपके लिए दोबारा रीस्टोर कैसे कर सकते हैं इस आइकॉन को, यानी कंप्यूटर का मेन आइकॉन जो है वो आप कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो आपके लिए मैसेज में दिया हुआ है। तो आप इसे रीस्टोर भी बाद में कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे यस कर देता हूँ, और ये जो कंप्यूटर का जो हमने आइकॉन दिया है इस फाइल को, वो मैं कंप्यूटर की जगह पर इसे लगा देता हूँ। और अब दोस्तों आपका ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है कम्प्लीट। अब आप इसे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये देखिए मैं इसे अब क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मैसेज हो चुके हैं हमारे स्टार्ट। और दोस्तों अब इसे बंद कैसे करना है, बंद करने के लिए आपको नीचे टास्क बार में जाना है और वहाँ पर राइट क्लिक करके आपको टास्क मैनेजर ओपन कर लेना है। तो टास्क मैनेजर जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहे होंगे वहाँ पर आपको ये लिस्ट दिख जाएगी। तो दोस्तों अब आप जिस सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हैं, जिस विंडो को बंद करना चाहते हैं, वहाँ पर आप कर्सर ले जाकर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एंड टास्क का जो ऑप्शन आ जाएगा उसे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है कीबोर्ड से, तो आप अल्टर कंट्रोल और डिलीट बटन को तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने टास्क मैनेजर का भी ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से भी टास्क मैनेजर ओपन करके कोई भी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में टास्क मैनेजर ओपन नहीं होता, यानी वो डिसेबल होता है कई कंप्यूटर में, अगर आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका भी आपके लिए सोल्यूशन जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो और ये ट्रिक कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों, बाय।